हे गाइस, दिस इज प्रीति। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 28 जून के करंट अफेयर। इसमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उसको हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं चाहूँगी कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें। इसके अलावा अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट examtrends.net से PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ फेसबुक पेज और व्हाट्सएप ग्रुप को स्टडी मटेरियल के लिए फॉलो कर सकते हैं। शुरू करते हैं क्वेश्चंस को। तो सबसे पहले हम लोग कल का जो क्वेश्चन था उसका आंसर देखेंगे। देखिए, कल का हमारा क्वेश्चन था कि 2019 का अंतरराष्ट्रीय मैन बुकर पुरस्कार किसे मिला। तो मैंने आपको पढ़ाया था कि यह मिला है जोखा अलहार्थी को। इनकी एक रचना है सेलेस्टियल बॉडीज के लिए, ठीक है। तो दोनों याद रखिएगा, नाम क्या है इनका, जोखा अलहार्थी, और रचना का नाम भी क्या है, सेलेस्टियल बॉडीज। तो इसको याद रखिएगा, दिया गया है इनको अंतर्राष्ट्रीय मैन बुकर पुरस्कार। अब हम लोग बात करते हैं 28 जून के करंट अफेयर की। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में इम्प्रेस्ड कछुआ की खोज की गई है। अब इम्प्रेस्ड कछुआ एक कछुए की प्रजाति है जिसकी खोज की गई है अरुणाचल प्रदेश में। और अगर आप लोग इसका इमेज देखें तो ये देखिए इमेज है इम्प्रेस्ड कछुआ की, यह खोजा गया है अरुणाचल प्रदेश के लोअर सुबनसिरी जिले में। ये भी याद रखिएगा क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कोई भी स्पीसीज अगर खोजी गई है, कोई भी प्रजाति, तो कहाँ पे खोजा गया है, ठीक। तो अरुणाचल प्रदेश के लोअर सुबनसिरी जिले में खोजा गया है इम्प्रेस्ड कछुआ, इसको याद रखिएगा। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, इसका वैज्ञानिक नाम है मनोरिया इम्प्रेसा। क्या नाम है, मनोरिया इम्प्रेसा नाम, याद रखिएगा। इसके अलावा कछुए की एक और प्रजाति है जो कि उड़ीसा के तट पर आता है, उसको भी याद रखिएगा, ऑलिव रिडले। ऑलिव रिडले भी एक कछुए की प्रजाति है, ठीक। अरुणाचल प्रदेश से रिलेटेड कुछ फैक्ट जान लेते हैं। अगर हम लोग बात करें यहाँ की कैपिटल क्या है, तो यहाँ की कैपिटल है ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है, ईटानगर। और हमारा सबसे पूर्वी बिंदु की बीथू, ये भी कहाँ पे है, ये भी है हमारा अरुणाचल प्रदेश। इसका क्या मतलब है पूर्वी बिंदु का, तो देखिए अगर ये है हमारा भारत तो भारत में एक उत्तरी बिंदु होगा, एक दक्षिणी होगा, एक पूर्वी होगा, एक पश्चिमी होगा। पूर्वी बिंदु हो गया हमारा कीवीथू, ये अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। हमारा जम्मू कश्मीर में है इंदिरा कौल जो कि उत्तरी बिंदु है। इसके अलावा पश्चिमी बिंदु की बात करें तो गौर मोता या गुहार मोता, ये कहाँ पे हमारा गुजरात में है। फिर हम लोग बात करते हैं दक्षिणी बिंदु की, तो इसको हम लोग कहते हैं यहाँ पे हम लोग कहेंगे कन्याकुमारी। और दक्षिणतम बिंदु है हमारा अंडमान निकोबार में, क्योंकि हमारी टेरिटरी अंडमान निकोबार तक है, तो इंदिरा पॉइंट हमारा कहाँ पे है, अंडमान निकोबार में, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, जल ही जीवन है योजना किस राज्य की सरकार द्वारा शुरू किया गया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि आपको पता है कि अभी पानी को लेकर के 5 राज्यों में गाइडलाइन जारी कर दिया गया है, जिसमें महाराष्ट्र, गुजरात, ये सभी राज्य सम्मिलित हैं, कि आप पानी को सावधानी से यूज़ करिए, अदरवाइज प्रॉब्लम बढ़ सकती है। इसके अलावा मैंने अभी आपको कल पढ़ाया था जल संकट के बारे में, कि जल संकट में अगर हम लोग विश्व के 20 शहरों की बात करें तो भारत के 4 शहर सम्मिलित हैं विश्व में जल संकट के मामले में, ठीक है, जिसमें हमारा चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, ये तीनों शहर सम्मिलित थे, ठीक, याद रखिएगा इसको। चलिए बात करते हैं हम लोग अब इसके डिटेल के बारे में। तो फिलहाल ये जो जल ही जीवन है योजना, यह किस सरकार ने स्टार्ट किया है या शुरू किया गया है, हरियाणा की सरकार द्वारा, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं कि इनका उद्देश्य क्या है, आखिर इनको इस प्रकार की योजना स्टार्ट करने की क्या ज़रूरत पड़ गई। तो जो उद्देश्य है कि भूमि में जो पानी का स्तर, भूमि के गिरते स्तर नहीं, भूमि में पानी के गिरते स्तर को, गिरता हुआ जो जल स्तर है उसको रोकना। मैंने आपको एक रिपोर्ट में पढ़ाया था कि अब तक जितना भी पानी हमारे पास ग्राउंड वाटर जो है उसका हमने 61% यूज़ कर लिया है, ठीक। तो हमारे पास कितना बचा, बस उतने में ही हमें काम चलाना है। तो इनका उद्देश्य देखिए काफ़ी अच्छा है कि जो ग्राउंड वाटर है उसके जो गिरते हुए स्तर है उसको हमें रोकना है। अब इसके लिए प्लान क्या है इन्होंने बनाया, कि जो फसल, जो किसान फसल उगाते हैं उसमें दो प्रकार की फसलें होती हैं, एक तो जिनमें अधिक पानी की आवश्यकता होती है और दूसरी फसल जिसमें कम पानी की आवश्यकता है। अधिक पानी की आवश्यकता किसमें होती है, जैसे धान, कम पानी वाली फसल कौन सी है, जैसे मक्का हो गया, अरहर हो गया। तो इन्होंने कहा कि आप अपने खेतों में क्या उगाइए, जो कम पानी खपत वाली फसलें हैं जैसे मक्का और अरहर, इनका उत्पादन आप करिए। अब कोई इनका उत्पादन करेगा ही क्यों,
अगर उसको कोई प्रॉफिट ना हो, क्योंकि धान का भाई एक अच्छा मूल्य मिल जाता है, ठीक। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया कि आपको 2,000 रुपये प्रति एकड़ पैसे दिए जाएंगे, 2 चरणों में ये पैसे सीधे आपके अकाउंट में भेज दिए जाएंगे अगर आप इस तरह का काम करते हैं। क्योंकि हुआ क्या है कि हरियाणा में जो धान की खेती है उसकी वजह से जल का स्तर प्रति वर्ष 1 मीटर तक गिर जा रहा है, तो इस वजह से इस तरह की योजना उठाई गई है हरियाणा की गवर्नमेंट के द्वारा, याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, नागरी की ऐतिहासिक क्लॉक टावर को चलाया गया या किस राज्य में स्थित है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, नागरी एक जगह है जो पड़ता है चेन्नई में, और यह क्लॉक टावर बहुत पुराना है, 54 साल पुराना है, ठीक, या काफ़ी दिन से एकदम पुराना पड़ा हुआ था। अब इसको फिर से इसको बनाया जा रहा है, इसको स्टार्ट किया जा रहा है, ये आप इमेज देख सकते हैं कि इसमें कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, ठीक है। तो नागरी कहाँ पे स्थित है, ये स्थित है हमारा चेन्नई में। और जल संकट के मामले में अगर हम लोग बात करें कि नंबर 1 पे कौन है, तो चेन्नई है। भारत में सबसे ज़्यादा जल संकट कहाँ पे है, चेन्नई में, इसको याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि इसको कब बनवाया गया था, तो इसको बनवाया गया था 1965 में, भारत में आए थे अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी, ठीक, तो उनकी दूसरी पुण्यतिथि पर बनवाया गया था इस क्लॉक टावर को, याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारा, नीति आयोग द्वारा जारी राज्य स्वास्थ्य सूचकांक, यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा कि यह किससे संबंधित है, या राज्य से संबंधित है। तो राज्य स्वास्थ्य सूचकांक में शीर्ष पर कौन सा स्टेट है, तो हमारे 29 स्टेट में से ही कोई शीर्ष पर होगा, तो सबसे ज़्यादा आपके हिसाब से इसमें हमारा सही आंसर क्या होना चाहिए। देखिए, जहाँ पे लोग ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे, जहाँ पे लोग ज़्यादा साक्षर होंगे, वो अपने हेल्थ को लेके भी बहुत ज़्यादा जागरूक रहते हैं, तो इस वजह से इसमें हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, केरल हो जाएगा हमारा सही आंसर, ठीक। देखिए, सबसे अच्छी हालत है केरल की, उसके बाद है हमारा आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब और हिमाचल प्रदेश। जबकि अगर हम लोग बात करें कि खराब राज्यों में कौन कौन है, तो बिहार है, उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, उड़ीसा, इन राज्यों की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है अगर हम लोग इस रिपोर्ट की बात करें, स्टेट हेल्थ इंडेक्स की, ठीक है, या इसका दूसरा संस्करण है। अब इसमें हम लोग बात करते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स है। देखिए, बिहार में क्या है कि केवल 56% ही माताएं ऐसे जगहों पर प्रसव करती हैं जहां पे सभी प्रकार की स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो। उत्तराखंड की बात करें तो वहां पे नवजात मृत्यु दर अधिक है, इसके अलावा 5 वर्ष से कम के जो बच्चे हैं उनकी मृत्यु दर भी अधिक है। तो ये कुछ तरह की काम ऐसे हैं जिस वजह से हम नीति आयोग ने इनको लोएस्ट कैटेगरी में डाल दिया है। और उत्तर प्रदेश तो देखिए काफ़ी निचले पायदान पर है। बात आती है, एक तो हो गया हमारा कि किसने अच्छा प्रदर्शन किया, एक हुआ कि किसने खराब प्रदर्शन किया। अब इसमें हम लोग अगर बात करें तो ऐसे भी कुछ स्टेट होंगे कि जो अच्छा काम कर रहे हैं इसमें, तो सराहनीय काम किनका है, हरियाणा का है, राजस्थान का है और झारखंड का है। और इसके अलावा नीति आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि अगर कोई भी राज्य पूर्णतया स्वस्थ रहना चाहता है तो उसका जो भी बजट आता है अपने बजट का कम से कम 8% हिस्सा स्वास्थ्य सुविधाओं पर खर्चा करे, ठीक है, तब क्या होगा, लोग स्वस्थ होंगे। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में अवैध रूप से देश में घुसने वाले लोगों के मध्य जागरूकता फैलाने के लिए किस देश ने जीरो चांस स्टार्ट किया है। जीरो चांस मतलब घुसने की संभावना क्या है, जीरो है। तो ऐसा किया गया है ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट के द्वारा। इसके पहले भी अगर हम लोग बात करें तो ऑस्ट्रेलिया घुसपैठियों के लिए काफ़ी कानून बना चुका है, ठीक, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में कठोर सीमा नीति है। एक नीति का नाम आप याद रखिएगा, ऑपरेशन सॉवरेन बॉर्डर्स, इसको ऑस्ट्रेलिया ने स्टार्ट किया था 2013 में। और इसमें क्या किया गया था कि जो भी व्यक्ति अवैध रूप से ऑस्ट्रेलिया में प्रवेश करता, उसको ये जो पूरा ऑपरेशन था या अभियान, इसके थ्रू बाहर कर दिया जाता। और इसके तहत 35 जहाज़ों को और 847 लोगों को बाहर किया गया था। बात आती है कि यह किसके द्वारा चलाया गया था, तो ऑस्ट्रेलियाई रक्षा बल के द्वारा चलाया गया था, जिसका मेन पर्पज़ यही था कि जो समुद्र के रास्ते आने वाले घुसपैठिए हैं उनको रोक दिया जाए जो अवैध तरीके से आते हैं, ठीक, इसको याद रखिएगा। चलिए बात करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारा,
आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में बेरोजगारी दर सर्वाधिक है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी हम लोगों ने 2018 में पढ़ा था कि पिछले 45 सालों में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी दर बढ़ी है, और यहाँ पे हम लोग देखेंगे स्टेट वाइज कि सबसे ज़्यादा बेरोजगारी दर किस स्टेट में है। अब सबसे पहले तो हम लोग बात कर लेते हैं इस संस्था के बारे में जिसका नाम है आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण। देखिए, यह संस्था काम करती है NSSO के अंतर्गत। क्या नाम है NSSO का? फुल फॉर्म क्या है? नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। आप सभी को इनके बारे में पता होगा कि यह एक संगठन है जो कि तरह तरह की रिपोर्ट देती है, और इसकी रिपोर्ट काफ़ी अच्छी मानी जाती है कि हाँ, ये पूरे पारदर्शिता से इस रिपोर्ट को बनाया गया है। तो ये जो सर्वेक्षण बल है, इसकी शुरुआत की गई थी 2017 में, और यह क्या करती है, रोजगार और बेरोजगारी पर अपने आंकड़े प्रस्तुत करती है हर तिमाही में। ठीक, तो फिलहाल हम लोग बात करते हैं इसमें कि सबसे ज़्यादा बेरोजगारी दर कहाँ पे है। तो ये हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा, नागालैंड में बेरोजगारी दर सबसे ज़्यादा है। और सबसे कम कहाँ पे है? तो सबसे कम है हमारा मेघालय में। इस चार्ट के माध्यम से आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आ जाएगी। जैसे हाईएस्ट रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कहाँ है? नागालैंड में। उसके बाद है हमारा गोवा में, एंड देन है हमारा मणिपुर है। लोएस्ट रेट की बात करें तो मेघालय है नंबर वन पे, मतलब सबसे कम बेरोजगारी दर कहाँ पे है? मेघालय में। उसके बाद छत्तीसगढ़, फिर हमारा सिक्किम। फीमेल में अगर हम लोग हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो उसमें भी नागालैंड नंबर वन पे है। इसके अलावा फीमेल लोवेस्ट की बात करें तो मेघालय नंबर वन पे है, मेल हाईएस्ट की बात करें तो नागालैंड नंबर वन पे है, और मेल लोवेस्ट में भी मेघालय नंबर वन पे है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, फर्स्ट एंड लास्ट याद रखना ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो सबसे ज़्यादा है नागालैंड में, कितना है? 21.4%। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो याद कर लीजिए। अगर कोई भी व्यक्ति 21 साल का हो जाता है तो उसको रोज़गार मिल जाए तो अच्छी बात है। ठीक है, तो 21.4% है हमारा नागालैंड में, और मेघालय की बात करें तो 1.5% यहाँ पे न्यूनतम बेरोजगारी दर है। बाकी मैंने आपको बता ही दिया। यूनियन टेरेटरी की बात करें तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? दादर नगर हवेली में। ठीक है, यूनियन टेरेटरी में सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? दादर नगर हवेली में, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं कि हाल ही में चर्चित सीलिएक रोग किस अन्य नाम से जाना जाता है? सीलिएक रोग, देखिए, इसको हम लोग जानते हैं वीट एलर्जी के नाम से, और वीट मतलब क्या होता है? गेहूँ होता है, इसको भी याद रखिएगा। और अभी एक अध्ययन किया गया जिसमें पाया गया है कि भारत में प्रति 140 लोगों में एक व्यक्ति सीलिएक रोग से ग्रसित है, यानी कि वीट एलर्जी से ग्रसित है। इसमें क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति ग्लूटिन लेता है, ग्लूटिन क्या है? एक प्रोटीन है। तो कोई व्यक्ति अगर ज़रूरत से ज़्यादा गेहूं का सेवन कर रहा है तो उसमें छोटी आंत में सूजन आ जाती है, और वह किस कारण सूजन आती है? ग्लूटिन के कारण। इसको कौन सी डिजीज़ कहते हैं? इसको एक क्रोनिक डिपीज़ नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा? डिजीज़ होगा, जिसकी वजह से आंत में सूजन हो जाती है, और यह सूजन ग्लूटिन नामक प्रोटीन के कारण होती है। कहाँ कहाँ से हमें यह पाया जाता है यह प्रोटीन? तो गेहूँ हो गया, राई हो गया, जौ और ट्रिटिकल, इन उत्पादों में पाया जाता है ग्लूटेन नाम का प्रोटीन। ठीक है, जो कि गोद के रूप में काम करता है, भोजन में पोषक तत्व को मिला करके रखता है। लेकिन अगर इसका सेवन एक लिमिट से अधिक हो जाता है तो यह शरीर को बहुत ही ज़्यादा नुकसान भी पहुंचाता है। ठीक, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कि भारत सरकार ने किस रोग के 2025 तक उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय रणनीतिक योजना तैयार किया है? तो इसके लिए भारत सरकार ने तैयार किया है तपेदिक के लिए, जिसे हम लोग जानते हैं ट्यूबरकुलोसिस के नाम से। इसके लिए भारत सरकार ने एक राष्ट्रीय रणनीतिक योजना तैयार किया है। और मैंने जब आपको पढ़ाया था 24 मार्च को ट्यूबरकुलोसिस डे मनाया जाता है, तो इसमें मैंने आपको पढ़ाया था कि इसका थीम क्या रखा था? इट्स टाइम, मतलब यह समय है इसको ख़त्म करने का। टीबी मुक्त भारत का अभियान भी 2018 मार्च में ही लॉन्च हो चुका है, और 2025 तक इस लक्ष्य को कंप्लीट करने की बात की गई है कि हम भारत को टीबी मुक्त कर देंगे। एक सिनेरियो अगर हम लोग देखें मोटा मोटी, तो भारत में हर साल करीब 27.4 लाख टीबी के मामले सामने आते हैं, और भारत ने तो अपना लक्ष्य रखा है 2025 तक विश्व से टीबी को ख़त्म करने का लक्ष्य रखा गया है 2030 तक, इसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है, बाकी मैंने बता दिया कि टीबी डे कब मनाया जाता है, 24 मार्च को, और इसका थीम क्या था? इट्स टाइम, यही सही समय है। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा कि भारतीय तटरक्षक बल का 5वां भर्ती केंद्र कहाँ पे खोला जा रहा है? इसके पहले 4 थे, और ये जो 5वां भर्ती केंद्र है यह खोला जा रहा है उत्तराखंड में।
ठीक है, उत्तराखंड में एक जगह है कॉर्नवाला, वहीं पे खोला जाएगा इस केंद्र को, ठीक, जिस जो कि 18 महीने के अंदर बन के तैयार हो जाएगा। और अब यहाँ चार केंद्र कहाँ पे, अच्छा पहले इनको भी डिस्कस कर लेते हैं कि हमने बोला कि बाकी के चार केंद्र जो हैं ये कहाँ कहाँ पे हैं। तो पहला है हमारा नोएडा, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, और ये पांचवा केंद्र बनने जा रहा है उत्तराखंड में, ठीक है, याद रखिएगा। इसके अलावा मैं बता दूँ तो 25 जून को भारतीय जो भारतीय तटरक्षक बल है इसका महानिदेशक नियुक्त किया गया है कृष्ण स्वामी नटराजन को, नाम याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन हमारा, किस देश की महिलाओं ने जलवायु परिवर्तन के खिलाफ बर्थ स्ट्राइक नामक अभियान चलाया, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एंड आपको सुन के भी थोड़ा सा आश्चर्य होगा कि बर्थ स्ट्राइक का मतलब क्या है। देखिए पहले तो मैं आपको स्टार्टिंग से ही बताती हूँ, देखिए ब्रिटेन में आपने नाम सुना होगा सबसे पहले ग्रेटा थनबर्ग का, जिनको नामित किया गया है पीस नोबेल प्राइज़ के लिए, क्योंकि यह जलवायु जो क्लाइमेट चेंज है इसको लेके बहुत ज़्यादा जागरूक लड़की, और बहुत छोटी अभी मात्र 16 या 17 साल की हैं, ठीक, तो बहुत ही ज़्यादा जागरूक हैं। इन्होंने क्या किया, इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किया कि हाँ एनवायरनमेंट हमारा बहुत तेज़ी से प्रदूषित हो रहा है एंड इसके लिए हमारी गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ कदम उठाना चाहिए। तो सबसे पहले शुरुआत होती है ग्रेटा थनबर्ग से, बाद में इस एफर्ट या इतना बढ़ जाता है कि ब्रिटेन क्या करता है, सभी स्थितियों को देखते हुए जलवायु आपातकाल लगा देता है, और जलवायु आपातकाल लगाने वाला ब्रिटेन पहला देश बनता है। दूसरा देश बनता है आयरलैंड, और वहां पे एक महिला है ब्रिटेन में जिन्होंने 2018 में, इनका नाम भी याद रखिएगा, ब्लाइथे पेपिनो, नाम याद रखिएगा, इन्होंने क्या किया है, ब्लाइथे पेपिनो ने 2018 के अंत तक बर्थ स्ट्राइक ग्रुप का गठन किया, और अब यह ग्रुप बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है कि हम बच्चे नहीं पैदा करेंगे। उसका रीज़न ये है कि हम बच्चे तब पैदा करेंगे जब उनको रहने के लिए एक सेफ इन्वायरमेंट मिले, उन्हें मरने के लिए थोड़ी पैदा करेंगे। तो यह एक तरह का स्ट्राइक है जिसके माध्यम से वहाँ की महिलाएँ सरकार को जगाना चाहती हैं कि आप इसके लिए कोई ठोस कदम उठाइए कि जो क्लाइमेट इतना तेज़ी से पल्यूट हो रहा है ये कैसे ना कैसे करके को रोका जा सके, ठीक है। तो अपने आप में ये काफ़ी अच्छा एक मोमेंट है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए बात करते हैं अब हम लोग कल के जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनका रिवीजन कर लेते हैं। तो आप लोग को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है कि कौन सा क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। पहला हमारा कि आसियान देशों ने समुद्री कचरे से निपटने के लिए कौन सी घोषणा किया है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। सही आंसर होगा इसमें हमारा बैंकॉक घोषणा, सही आंसर क्या है, बैंकॉक घोषणा किया है आसियान देशों ने। सिर्फ 5 ऐसे देश हैं, एशियाई देश, चीन, इंडोनेशिया, फिलीपींस, वियतनाम और थाईलैंड, जो कि करीब हर साल 8 मिलियन टन कचरा समुद्र में अकेले फेंकते हैं। और आपको पता है कि जो बायोडाइवर्सिटी का हम लोग लेवल की बात करते हैं वो समुद्र में बहुत ज़्यादा होता है, और अगर समुद्र को इस तरह से पल्यूट किया जाएगा तो हमारे आने वाले समय में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ सकती है। अगला क्वेश्चन हमारा, अमेरिका के नए रक्षा सचिव कौन बने हैं, तो यह बने हैं मार्क एस्पर, और यह काम कर चुके हैं कैपिटल हिल, कैपिटल हिल याद रखिएगा, अमेरिका की संसद कहाँ पे है, कैपिटल हिल पर। अगला हमारा, संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया, तो क्यू दोंगयू, ये पहले चीनी नागरिक है जिनको FAQ का महानिदेशक नियुक्त किया गया, और इसका मुख्यालय कहाँ है, रोम में। फिर हमारा कि मानव रहित हेलीकॉप्टर AV-500 का सफल परीक्षण किसने किया, इसका सफल परीक्षण किया गया है चीन के द्वारा, ओके। नेक्स्ट है हमारा, ब्रिटेन द्वारा जारी भारत ब्रिटेन के संबंधों को आगे बढ़ाने वाली 100 प्रभावशाली महिलाओं की सूची में किस भारतीय महिला को शामिल किया गया है, तो इनका नाम है निर्मला सीतारमण, जो कि वर्तमान में हमारी वित्त मंत्री हैं, लेकिन उस समय वह क्या थी, हमारी रक्षा मंत्री थी, ठीक। नेक्स्ट हमारा है, FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का 39वां सदस्य देश कौन सा बना है, सऊदी अरब पूर्ण सदस्यता पाने वाला पहला अरबी देश बना है, याद रखिएगा, ओके। नेक्स्ट है हमारा, बांग्लादेश का पहला अंतर्राष्ट्रीय थिएटर महोत्सव कहाँ पे आयोजित किया गया है, तो यहाँ की कैपिटल है ढाका, यहीं पे आयोजन हुआ इसका। इसके अलावा बांग्लादेश में एक जगह है जिसका नाम है दिनाजपुर जिला, यहाँ पे बांग्लादेश की पहली लौह अयस्क खादान मिली है जिसकी उपलब्धता है 60%। अगला क्वेश्चन हमारा, किस देश की हॉकी टीम ने FIS सीरीज फाइनल जीत लिया, तो इसको जीतने वाला है भारत की हॉकी टीम ने इसको जीत लिया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय वायुसेना ने कारगिल युद्ध के 20 वर्ष पूरे होने के मौके पर किस हवाई अड्डे को थिएटर में बदल दिया, तो महाराजपुरा एयरफोर्स स्टेशन ग्वालियर, कहाँ पे स्थित है, ग्वालियर में।
नेक्स्ट है हमारा कि सफ़ेद दाग मिटाने के लिए ल्यूकोस्किन नामक दवा किस संस्था ने विकसित किया, तो यह विकसित किया गया है DRDO के द्वारा। अब आपका अगला क्वेश्चन है कि किस देश ने, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, रेगू नामक क्षुद्रग्रह पर कृत्रिम क्रेटर का निर्माण किया है। तो आराम से सोचिए और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए, नहीं आएगा तो मैं कल आपको इसका आंसर बता दूंगी। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। इसके अलावा अगर आपको PDF डाउनलोड करनी हो तो आप PDF को ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं हमारी वेबसाइट examtrends.net से।